बात करेंगे देश के 10 राज्यों की, जहां पर तेजी के साथ कोरोना संक्रमण इस वक्त बढ़ रहा है और कोरोना पर समीक्षा बैठक के बाद केंद्र ने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वायरस के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कोरोना की आर वैल्यू ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी। देश में लगातार पांचवें दिन 40,000 से अधिक नए केस सामने आए। 24 घंटे की बात करें तो देश में एक दिन में 40,627 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में रिकवर मरीजों का फासला 4,000 का हो गया है। आर वैल्यू रिपोर्ट ने सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। आर वैल्यू 96 से शुरू होकर 1 तक जाने की चिंता जताई गई है, जिसका मतलब एक कोरोना संक्रमित से संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा हो गई है। इसके रोकथाम के लिए सख्त नीतियों की जरूरत है। केरल, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर केंद्र सरकार ने इन राज्यों में कड़े कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओडिशा में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, बाकी राज्यों को आगाह किया गया है। देश में फिर से एक्टिव मामले 4,00,000 के पार पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,649 नए मामले सामने आए हैं।